नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKN एजुटेक पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है शाला सिद्धि पोर्टल के लिए कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि उस प्रोसेस को हमें कैसे करना है। आज आप देख सकते हैं कि आज हम उससे आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे कि हम वन बाई वन अपने स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे फिल करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लॉगिन में अपने स्कूल का यूडाइज कोड लिख लिया है, अपना जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो भी लिख लिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो शाला सिद्धि का होम पेज है जहाँ पे स्कूल इवेल्युएशन का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट के ऊपर काम किया है। आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी ग्रीन टिक का साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो लर्नर का कॉर्नर है वो मैं फिल कर चुका हूँ। जहाँ पे आपको इस तरह का साइन शो होगा, समझना कि आपके स्कूल में ये ऑप्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह मैंने आपको समझाने के लिए जो टीचर वाला कंपोनेंट था मैंने उसको भी फिल किया है। उसके बाद हम वन बाई वन बात करेंगे कि हमने इनको कैसे फिल करना है। और आप देख सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ कंप्लीटेड है उसमें ग्रीन टिक लगी हुई है, जो प्रोग्रेस में है वहाँ पे येलो, यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन का साइन आया हुआ है, और जिन कंपोनेंट पे अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है वहाँ पे जो क्रॉस का साइन आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से हम वन बाय वन, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से पहले नंबर पे लर्नर्स से हमने स्टार्ट करना है। जब हम लर्नर्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, तो सबसे पहले हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे तीन ऑप्शन है, हमने तीनों को वन बाय वन फिल करना है। सबसे पहले हम वन कंपोनेंट जो है उस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको जहाँ पे बता दूँ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2019-20। तो आपने प्रीवियस ईयर कि जो अपनी आपके स्कूल की जो कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट थी वो आपने जहाँ पे फिल करनी है, आपके स्कूल में शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स कितने थे, शेड्यूल्ड ट्राइब कितने थे, ओबीसी स्टूडेंट कितने थे और जनरल कितने थे, और अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में माइनॉरिटी का है तो आपने जहाँ पे शो करना है। इसके बाद अब आपने जहाँ पे आ जाना है इसके नीचे, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। तो जहाँ पे मैंने कल पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें जो अपनी अटेंडेंस है वो किस तरह से हमें निकालनी है, आप जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है, उसके हिसाब से ही हमें जो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है उनको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए जहाँ पे बताया गया है कि हमें जो बॉयज़ हैं उनकी अलग से अटेंडेंस की परसेंटेज निकालनी है, गर्ल्स की अलग से निकालनी है और टोटल अलग से निकालनी है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो जहाँ पर दिया गया है, जो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे तो बॉयज़ की अलग से निकालनी है, गर्ल्स की अलग से निकालनी है। मान लेते हैं अगर आप क्लास फर्स्ट में 10 स्टूडेंट हैं तो उसमें उनमें 7 स्टूडेंट अगर बॉयज़ हैं तो 3 उनमें गर्ल्स हैं, तो जहाँ पे पहले बॉयज़ का लेना है टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप जहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे दिया गया है, आप देखिए जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू सी एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस रेट। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक पूरा जहाँ पे एक सैम्पल आ जाएगा कि किस तरह से आपने करना है। चलिए मैं आपको जहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैम्पल आ चुका है। आप देखिए जहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे अपनी जो अटेंडेंस है उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। सपोज मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस डे, मान लेते हैं कि आपका स्कूल पिछले साल 2019-20 में 220 दिन आपका जो स्कूल का जो वर्किंग डे हुए, तो नंबर ऑफ बॉयज़, तो मान लेते हैं कि उस क्लास में जो बॉयज़ थे वो 30 थे और उनकी जो अटेंडेंस बनी वो 6200 हुई। इसी प्रकार आपके उसी क्लास में जो गर्ल्स थी वो 20 थी और उनकी जो एनुअल अटेंडेंस थी वो 3650 हुई। तो अब आप जहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल अटेंडेंस 50 स्टूडेंट, क्योंकि 30 बॉयज़ थे 20 गर्ल्स थी, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हुए, तो उनकी जो टोटल अटेंडेंस हुई हमने बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को जहाँ पे ऐड करके जहाँ पे टोटल्स कर दिया। अब आपने देखना कि बॉयज़ की अलग से हमने कैसे निकालनी है। अब आप देख लो एनुअल अटेंडेंस रेट उनकी कैसे निकालनी है, जहाँ पे जो फार्मूला है उसमें उस फार्मूले में टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ द बॉयज़, तो अभी आपने निकाली टोटल एनुअल अटेंडेंस उनकी पूरी साल की जो अटेंडेंस थी 30 बॉयज़ की, वो आपने ऊपर लिखना है। अब स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल 30 थे, तो जहाँ पे आएगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो वर्किंग डे थे वो आपके 220 जहाँ पे आया, इनटू आपने 100 करना है और
इस तरह से हमने इनकी परसेंटेज, जो बॉयज़ थे उनकी परसेंटेज निकाल दी, इसी तरह गर्ल्स की परसेंटेज भी निकाल दी, और इसी तरह जब आपने टोटल की परसेंटेज निकालनी है तो टोटल के लिए आपका 9850 वाला जो टोटल है वो आपने ऊपर लिखना है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, अब गर्ल्स भी आपने ऐड करनी है और बॉयज़ भी, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स थे तो वर्किंग डे वही रहेगी। तो इस तरीके से आपने टोटल वाले कॉलम में इस तरह से करना है। तो इस तरह से बॉयज़ का अलग से, गर्ल्स से अलग से, क्लास वाइज आपने सभी का इसको करना ही करना है। तो ये एग्जांपल थी, आप इस एग्जांपल से भी आप जहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप करते समय कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके सामने जहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू ओपन कैलकुलेटर, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एक कैलकुलेटर आ जाएगा, जहाँ पे आप काम करते करते अपनी जो कैलकुलेशन है वो इस कैलकुलेटर के सहारे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हम अपने जो स्कूल की जो परसेंटेज है, जो स्टूडेंट की, जो हमने एनुअल उनकी अटेंडेंस निकालनी है, उनको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे, फिर आपने जहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इस अटेंडेंस वाले लर्नर प्रोफाइल को मैंने जहाँ पे सबमिट ऑलरेडी कर दिया है, आपने इसको फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमने लर्नर्स वाले कॉलम पे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, जहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे थे, जिनमें लर्नर प्रोफाइल था, लर्निंग आउटकम्स था और परफॉर्मेंस इन की, तो ये तीनों चीज़ें थी। तो ये हमारा दूसरा जो स्टेप है वो आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं पूरे साल में, तो अब आउटकम्स क्या आए हैं, हमें जहाँ पे आउटकम्स देने हैं कि जो बच्चों का परफॉर्मेंस रही है वो क्या रही है। तो जहाँ पे क्लास वाइज, जो आपके स्कूल के क्लास वाइज होंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पे, और जो आउटकम्स ये देने हैं हमने, ये उससे भी प्रीवियस ईयर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2018-19 के देने हैं। पीछे हमने जो फिल की इन्फॉर्मेशन वो 2019 और 20 की, लेकिन जहाँ पे हमें जो बच्चों का जो आउटकम्स हैं वो 2018-19 जो हमारा सेशन था, उस सेशन के स्टूडेंट्स का जो हमें रिजल्ट है वो जहाँ पे शो करना है। अब क्लास फर्स्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जहाँ पे नंबरिंग सिर्फ देनी है, कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स बिलो 33% रहे हैं, तो आपने इस कॉलम में मेंशन करना है। कितने स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में थे जिनके मार्क्स 33 से 40% के बीच में आए हैं, वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 41 से लेके 50 के बीच में आए हैं, ऐसे स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में कितने हैं जिनकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो 51 से लेके 60% कितने आए हैं, और 61 to 70 के बीच में कितने बच्चे आए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं 71 से 80 के बीच में, 81 से लेके 90 के बीच में, और उसके बाद 91 से लेके 100 के बीच में। इसी तरह से सभी क्लासेस का आपने ये सारे के सारा जितना भी स्टूडेंट्स का जो आउटकम्स है वो आपने जहाँ पे फिल करना है। एक चीज़ को आपने जहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमें किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल के लिए अपना इस डेमो को फिल किया है, आप देख सकते हैं इस स्कूल में क्लास सेकेंड की अगर हम बात करें, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे जीरो लिखा है, जहाँ पे जीरो लिखा है, जहाँ पे जीरो लिखा है, जहाँ पे जीरो, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट ही नहीं था 2018 और 19 में, इसलिए फिर भी हमें जीरो मेंशन करनी ही होगी। किसी कॉलम को हमें खाली नहीं छोड़ना है, तब तक हम नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हम इन कॉलम को फिल नहीं करेंगे। तो आपने सभी कॉलम्स को अच्छे तरीके से बच्चों की परसेंटेज निकाल के, जहाँ पे आपने उनके जितने भी आउटकम्स हैं उनको जहाँ पे कंसोलिडेट पूरी रिपोर्ट करनी है, करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे हमें कहा जा रहा है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल, तो जहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए ये वाला पेज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए अगर ये एप्लीकेबल होता तो जहाँ पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती वो हमने जहाँ पे फिल करनी थी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि जो हमारा लर्नर वाला ऑप्शन था उसके जो तीनों कंपोनेंट थे उस पर हमने काम कर लिया है। अब हम जाएंगे टीचर्स में, अब जब टीचर्स में जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं टीचर्स पे यहाँ पे मैंने कर्जर रखा हुआ है, तो जहाँ पे दो ऑप्शंस निकल के आए हुए हैं, सबसे पहले नंबर्स ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और दूसरे नंबर पे है टीचर्स अटेंडेंस। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं जहाँ पे आ चुका है, आप देखिए नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, जहाँ हमने कैटेगरी वाइज जितने भी टीचर हमारे स्कूल में हैं उनके यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। आप देख सकते हैं
जहाँ पे भी जो एकेडमिक ईयर हमसे मांगा गया है ना वो प्रीवियस ईयर ही है, 2019-20 का डाटा ही हमने जहाँ पे फिल करना है। अब ट्रेंड हमारे स्कूल में कितने ऐसे टीचर हैं जो ट्रेंड हैं, और उनमें भी हमें कैटेगरी वाइज मेल मेल को अलग से लिखना है, फीमेल्स को अलग से शो करना है। तो हमारे स्कूल में अगर 4 मेल टीचर हैं उनमें बीएड कितने हैं, अगर 4 टीचर जहाँ पे ट्रेंड हैं 2 अनट्रेंड है, इसका मतलब हमारे स्कूल में 6 टीचिंग स्टाफ में से मेल टीचर हैं, जो वो 6 आगे जो मेल हैं, और फीमेल जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जहाँ पे ट्रेंड का मतलब जो बीएड है, बीएड क्वालिफाइड, और जो अनट्रेंड जिन्होंने अभी तक बीएड नहीं की है, जहाँ जो कर रहे हैं वो अनट्रेंड में आएंगे। उसके बाद जहाँ पे फीमेल में अगर होता, आपके स्कूल में जो भी फीमेल होती तो जहाँ पे आपने फीमेल का जहाँ पे लिखना था, अगर नहीं है तो आपने 00 फिर भी जहाँ पे लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर पाओगे। इसी तरह से जो ट्रेंड है वो 4 आगे, अनट्रेंड 2 आगे, तो टोटल स्टाफ हमारे स्कूल का कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस तरह से हमने नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरीज भी हमने जहाँ पे फिल कर ली। उसके बाद हमें जहाँ पे आपने इस डिटेल को सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टीचर्स अटेंडेंस, जहाँ पे जो अटेंडेंस पहले स्टूडेंट्स की हुई, लर्नर्स की हुई, अब टीचर्स की जहाँ पे अटेंडेंस शो होगी। तो अब जहाँ पे आप देखिए जो टीचर्स की अटेंडेंस हमने जहाँ पे फिल करनी है, इसके लिए जो सेशन आएगा वो कौन सा आएगा, 2018-19 सेशन के लिए हमने जो डिटेल है टीचर्स की वो जहाँ पे फिल करनी है। सबसे नंबर 1 पे जहाँ पे बताया गया है टाइप ऑफ लीव, किस किस्म की छुट्टी टीचर्स ने ली है उसे हमें कंपोनेंट वाइज यहाँ पे बताना है। एक होता है लॉन्ग, मोर देन 1 मंथ, अगर कोई टीचर लॉन्ग लीव पे गया हुआ है, लॉन्ग लीव इन द सेंस अगर 1 महीने से ज़्यादा उसने कोई छुट्टी इस सेशन में अवेल की है तो वो लॉन्ग लीव मानी जाएगी। शॉर्ट लीव होगी जिसमें अप टू 1 वीक टीचर है, उसने 1 सप्ताह की लीव ली है तो उसे हम शॉर्ट लीव में काउंट करेंगे। तो अब आप देखिए जहाँ पे आ जाता है, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ आपको, जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ टीचर्स हु अवेल, लिखा है 0, कि कोई भी ऐसा टीचर हमारे स्कूल में नहीं था 2018-19 में जिसने लॉन्ग लीव ली, जहाँ जिसने लॉन्ग लीव अवेल की। उसके बाद शॉर्ट, अगर किसी ने 1 सप्ताह की भी लीव ली है तो जहाँ पे हम करेंगे वो कितने टीचर्स थे, 1 था, 2 था, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन आपने जहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखना है। तो जहाँ पे हमने बताया कि हमारे स्कूल में किसी भी टीचर ने ना तो लॉन्ग लीव ली है ना तो उसमें कोई शॉर्ट लीव ली हुई है। उसके बाद हम यहाँ से टीचर अटेंडेंस वाला पेज को पूरा फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप डोमेन्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो डोमेन्स की इन्फो है वो हम देखेंगे जहाँ पे हमें इन चीज़ों को कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये जो डोमेन्स हैं, ये टीचर्स वाले कॉलम के नीचे वाले जो डोमेन्स हैं, ये वो वाला पेज ओपन हो गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल इवेल्युएशन, उसके बाद कंपोजिट मैट्रिक्स। तो इसमें कितने डोमेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सभी डोमेन्स को हमें 1 by 1 फिल करना है। हमें बताते जाना है कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे जहाँ से पूछे जा रही है उनकी क्या पोजीशन है, उनकी कंडीशंस कैसी है, और अपने स्कूल के लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इन डोमेन्स में हमें जहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले डोमेन्स की अगर हम बात करें जहाँ पे बताया गया है स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, जहाँ पे पहले हमने लर्नर्स को इवेल्युएट किया, फिर हमें टीचर्स की डिटेल्स को फिल किया, अब हम स्कूल की जो इवेल्युएशन करेंगे कि कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और उसके लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे डोमेन 1 में बताया गया है एनेबलिंग रिसोर्स ऑफ स्कूल, कि हमारे स्कूल में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको जहाँ पे हमें बताना है अवेलेबिलिटी, क्या वो हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं, एडिक्वेसी, क्या वो हैं तो पर्याप्त मात्रा में हैं, एंड यूजेबिलिटी, क्या हम उनका कितना यूज़ कर पा रहे हैं। जहाँ पे आपने देख लेना है कि हमें जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो सेशन 2019-20 की ही फिल करनी है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डोमेन 1 की बात करते हैं। तो डोमेन 1 में जहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, कि हमारे स्कूल में कोई चीज़ है तो अगर है तो वो पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ कि बिल्कुल ही नहीं है। तो उसके बाद उसकी क्वालिटी की बात करेंगे कि वो गुड क्वालिटी में है तो जहाँ कि लो क्वालिटी में है, जहाँ हाई क्वालिटी में है। तो जहाँ पे लेवल सेट किए गए हैं, लेवल 1
अगर हम क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेवल टू की बात कर रहे हैं तो स्कूल में वो चीज़ है बट वो मीडियम क्वालिटी की है। अगर हम लेवल थ्री ऑप्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि हमारे स्कूल में वो चीज़ है और वो गुड क्वालिटी में है, तो इसलिए उस क्षेत्र में हमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम जहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले बताया गया है स्कूल प्रमिसेस, हमारे स्कूल का जो प्रमिसेस है वो कैसा है, जहाँ पे लेवल वन में शो किया गया है कि हमारे स्कूल का जो प्रमिसेस है वो बिल्कुल भी एक ना के बराबर है, तो जहाँ पे जो लेवल वन है तो बिल्कुल जहाँ पे शो किया गया है। अब इसकी जो क्वालिटी है अगर वो ना के बराबर है तो उसकी क्वालिटी भी लेवल वन ही जहाँ पे बताई गई है कि वो यूजेबल नहीं है, तो ठीक है उसकी क्वालिटी भी ऐसी नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी, इसके सामने सामने ही हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि हम उस काम को किस लेवल पे रखना चाहते हैं, उसको कितनी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो आप ड्रॉप डाउन पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आप उस काम के लिए एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हम इस काम को अपने स्कूल के लिए नंबर वन पे रखना चाहते हैं, हाई डिमांड पे रखना चाहते हैं, मीडियम पे रखना चाहते हैं, लो पे रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने जहाँ पे इसको स्कूल के प्रमिसिस को इतनी हाई प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, मीडियम प्रायोरिटी पे हमने इसको रखा हुआ है। अब चलिए हम प्ले ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करें कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट है या नहीं है, तो जहाँ पे हमारे पास जो स्पोर्ट्स का सामान है वो लेवल टू में है, इसका मतलब नहीं तो बिल्कुल नहीं है लेकिन है बट वो गुड क्वालिटी में नहीं है, जस्ट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो क्वालिटी उसकी क्या रहेगी, जहाँ पे लेवल टू में रहा तो उसके बाद हमने इसका भी जो प्रायोरिटी सेट की है वो मीडियम प्रायोरिटी सेट की है। इसी प्रकार हम तीसरे नंबर की बात करें क्लासरूम एंड अदर रूम्स, हमारे स्कूल में जो क्लासरूम है जहाँ जो अदर रूम्स हैं चाहे ऑफिस हो गया जहाँ अदर रूम्स में जो भी आते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में है हमारे स्कूल में, कि अकोमोडेशन की कोई कमी नहीं है वहाँ पे लेवल थ्री, इसका मतलब सबसे टॉप में हमारे पास जो स्कूल की जो अकोमोडेशन है वो है। तो उसके बाद अब हम इसकी जो क्वालिटी है उनको हम जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम लेवल थ्री पे कर रहे हैं, बिल्कुल हाई लेवल पे उनका काम ले रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर जो प्रायोरिटी है वो हमने सेट नहीं की है कि इनके लिए प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्कूल में एक गुड क्वालिटी के जो क्लासरूम है वो है और उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर हमें थोड़ा सा कम इनकी जो प्रायोरिटी है वो हमने सेट की हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, हमारे स्कूल में बिजली का कनेक्शन है, अगर है तो हमारे क्लासरूम्स में क्या इलेक्ट्रिसिटी के प्रावधान है, हमारे स्कूल में गैजेट्स जैसे कि मॉर्निंग असेंबली के लिए किसी स्कूल में कई बार सिस्टम होता है मॉर्निंग असेंबली के लिए लाउड स्पीकर वगैरह होता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे। तो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, तो ये यहाँ पे बताया गया कि लेवल थ्री उनका जो हम इस्तेमाल है वो भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हमने इनकी भी जो प्रायोरिटी है वो लो ही सेट की है कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पास उस स्कूल में ऑलरेडी एक सफिशिएंट और पर्याप्त मात्रा में है। इसी प्रकार अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो जहाँ पे फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन है NA नॉट एप्लीकेबल। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में कोई लाइब्रेरी का प्रावधान नहीं है, तो जहाँ पे हमने बता दिया है कि ना लेवल वन लेवल टू भी नहीं लेवल थ्री भी नहीं नॉट एप्लीकेबल कि हमारे मिडिल स्कूल में अभी लाइब्रेरी का कोई प्रावधान नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, तो जहाँ पे हम जब नॉट एप्लीकेबल है तो उस क्षेत्र में हम प्रायोरिटी क्या सेट करेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ पे भी लो प्रायोरिटी सेट की हुई है, लेकिन सेट करना पड़ता हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो वो भी नॉट एप्लीकेबल में आएगा, उसकी प्रायोरिटी भी हमने लो सेट की हुई है। इसी प्रकार कंप्यूटर बेयर प्रोविजंस एग्जिस्ट, अगर जहाँ कहीं पे भी कोई अगर कंप्यूटर का प्रोविजन है कोई प्रावधान है तो जहाँ पे बताया गया है कि नॉट एप्लीकेबल प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कभी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया है तो इसको भी हमने जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में ही रखा हुआ है। इसी प्रकार अब हम रैंप की बात करेंगे। अब आपको पता है रैंप क्या होते हैं, हर स्कूल में रैंप बने होते हैं, रेलिंग बनी होती है जहाँ पे जो डिसेबल बच्चे अगर हमारे स्कूलों में आते हैं तो वो आसानी से सीढ़ियों के बजाय रैंप से अपने क्लासरूम तक जा सकें। बहुत सारे हमारे स्कूल हैं जो पोलिंग तौर पे उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उन पे रैंप्स बनाए होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर तक पहुँचने के लिए रैंप बनाए होते हैं। अब उन रैंप की क्या कंडीशन है, जहाँ पे बताया गया है लेवल वन, इसका मतलब जो हमारे स्कूल में रैंप है उसकी बड़ी पुअर कंडीशन है, टूटा फूटा है, तो अगर लेवल टू में होता तो काम चलाने वाला ठीक है, अभी इतना गुड क्वालिटी में नहीं है। अगर लेवल थ्री बोलते तो इसका मतलब कि बिल्कुल गुड क्वालिटी में है, वर्किंग में है, तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो हम लो रखते, लेकिन जहाँ पे
जो रैंप है वो पुअर क्वालिटी में है, और जहाँ पे उसका जो लेवल है जो वो भी जहाँ पे लेवल वन में रखा गया है सबसे पुअर क्वालिटी में है, तो जहाँ पे हमें इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में कोई ऐसा डिसेबल्ड बच्चा स्टूडेंट है तो उनकी सुविधा के लिए हमें उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उसको हमें रखना ही चाहिए था। तो जहाँ पे लो प्रायोरिटी शो की है, चलिए अब हम जहाँ पे हाई जहाँ पे शो कर देते हैं। आपने देख लिया हमने जो हमारे स्कूल का जो रैम्प था उसको हमने हाई प्रायोरिटी पे जहाँ पे सेट कर लिया। हम आगे बात करते हैं मिड डे मील। अब हमारे स्कूल में जो मिड डे मील का जो प्रावधान है उसमें किचन एंड यूटेंसिल्स, जो हमारे रसोई घर है हमारे स्कूल का जो किचन है वो कैसी है और उसके अंदर जो बर्तनों की अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, तो जहाँ पे बताया गया है कि बर्तन सफिशेंट अमाउंट में है, पर्याप्त मात्रा में है, और उसके बाद जहाँ पे लेवल 3 में है और बिल्कुल उनकी जो क्वालिटी है और वो भी हाई है प्रायोरिटी सेट की है, वो लो प्रायोरिटी सेट की है। इसी प्रकार ड्रिंकिंग वाटर हमारे स्कूल में जो लेवल 3 पे है, इसका मतलब बिल्कुल जो हमारा टैप वाटर है जहाँ हमारे पास जो वाटर टैंक है वो बिल्कुल सफिशेंट अमाउंट में है और उसका हम बिल्कुल बेनिफिट भी ले रहे हैं, वो यूजेबल है, तो उसकी प्रायोरिटी हमने लो सेट की है। तो प्रायोरिटी हमें ऐसे सेट करनी है कि जिन कामों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है और उनको हमें टॉप पोजीशन पे रखना है। इसी प्रकार हैंड वॉश फैसिलिटी, अगर आपके स्कूल में हैंड वॉश फैसिलिटी है, अगर आपने कहीं बच्चों के लिए हैंड वॉश फैसिलिटी, अगर आपके स्कूल में आपने ऐसा प्रावधान रखा है कि बच्चे अपने अच्छे से हाथ धो सकें चाहे टॉयलेट के बाद जहाँ मिड डे मील खाने से पहले, तो उसके लिए वो सफिशेंट अमाउंट में जो उसकी अवेलेबिलिटी है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है और बच्चे उसका पूरा बेनिफिट भी ले रहे हैं और उसकी प्रायोरिटी भी हमने लो सेट की है। इसी प्रकार टॉयलेट्स, अगर आपके स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं तो वो भी गुड क्वालिटी में जहाँ पे बताए गए हैं और उनका भी जो लेवल है वो लेवल 3 में रखा गया है, जो टॉप पे रखा गया है, और उनके लिए भी प्रायोरिटी हमने लो सेट की है। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो डोमेन वन की हमने बात की, आपने सारे डोमेन्स में जितने भी ऑप्शंस हैं आपने लेवल जो है वो आपने यहाँ पे जो एप्लीकेबल लेवल आपके स्कूल के लिए होगा वो आपने फिल करके जहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो पेज है, जो नेक्स्ट डोमेन होगा वो जहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट डोमेन डोमेन सेकंड होगा वो जहाँ पे बताया गया है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स में ही जो सेकंड डोमेन है अब हम उसकी बात करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन सेकंड टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, तो जहाँ पे एकेडमिक ईयर वही रहेगा प्रीवियस 2019-20 की जहाँ पे बात करेंगे, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, तो जहाँ पे नंबर वन पे हमें जो है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स जो है कि टीचर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है लर्नर्स के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो जहाँ पे आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, जहाँ पे अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लो है मीडियम है हाई है तो आपने अपनी प्रायोरिटी यहाँ से सेट कर लेनी है। इसी प्रकार सब्जेक्ट एंड पैडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, तो टीचर का जो नॉलेज है वो लेवल 3 मीन्स की टीचर का जो नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेवल 3 पे रखा गया है, प्रायोरिटी इसको नहीं दी गई है, लो प्रायोरिटी में रखा गया है। अगर टीचर का लेवल 1 होता तो आप वहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते थे, उससे क्या होता हायर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का जब पता चलता तो उन टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग्स होती, कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते जिनके जिनसे उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा एनहांस हो सकता। तो जहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे है। इसी प्रकार प्लानिंग ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग की जो प्लानिंग है वो भी लेवल 3 में रखी गई है, उसके लिए प्रायोरिटी लो सेट की है। इसी तरह एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, तो उसमें भी लेवल 3 रखा गया है। इसी प्रकार से अगर मैं एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाता है और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है उसको अपलोड करने में, इसीलिए आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के उनके सामने आपने उस लेवल को शो करके आगे उसकी प्रायोरिटी को सेट करना है। जैसे आप प्रायोरिटी को सेट करेंगे उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हम एक नेक्स्ट डोमेन पे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट डोमेन की बात करेंगे, जो थर्ड डोमेन होगा नेक्स्ट डोमेन, तो उसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डोमेन, जो डोमेन नंबर 3 आया, तो जहाँ पे आपने क्या करना है आप देख सकते हैं जहाँ पे भी लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो जहाँ पे जो लर्नर्स की जो प्रोग्रेस है, जो बच्चों की जो प्रोग्रेस है, उन्होंने क्या अटेनमेंट किया, क्या हासिल किया, क्या क्या उनके अंदर डेवलपमेंट हुई, तो इसमें भी एकेडमिक ईयर 2019-20 रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे लर्नर्स अटेंडेंस, कि जो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो किस लेवल पे रही,
कि उनकी जो अटेंडेंस थी वो पुअर क्वालिटी में रही, बच्चे कम आए, ज़्यादा आए या सबसे ज़्यादा आए, तो लेवल थ्री सबसे ज़्यादा बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो ठीक ठाक पूरे सेशन में रही, तो उसमें कोई भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लो प्रायोरिटी में रखा गया है, अगर बच्चों की अटेंडेंस कम हुई तो आपको लगता है कि हमें इस क्षेत्र में थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए, स्कूल में कुछ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कुछ ऐसी कमेटीज़ को हमें जहाँ पे बुलाना चाहिए। फोर्थ डोमेन की बात करते हैं, जहाँ पे मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, तो ओरिएंटेशन में लेवल थ्री दिया गया है और इसकी प्रायोरिटी लो सेट की है। ओरिएंटेशन मींस की जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स हैं उसके बारे में, कम्युनिटी के साथ उनकी मीटिंग्स के बारे में, ताकि वो उस सिचुएशन को एक अच्छे से समझ सकें और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में वो स्कूल में काम कर सकें। उसके बाद टीचर्स अटेंडेंस के ऊपर आप अपने स्कूल का लेवल सेट कर सकते हैं, लेवल वन लेवल टू, उनकी जो टीचर्स की अटेंडेंस है वो 2019-20 में कैसी रही, लेवल थ्री में रही, इसका मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, टीचरों की जो अटेंडेंस है वो अच्छी रही। अगर आप इसकी प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो तो जहाँ पे लो प्रायोरिटी रखी गई है, अगर उनकी अटेंडेंस कम है तो आप इसकी प्रायोरिटी हाई रख सकते हो, ताकि आप इस फील्ड में आगे काम कर सके और इस क्षेत्र में भी आप सुधार कर सके। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो डोमेन 5 है वो जहाँ पे आ जाएगा, चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने जो डोमेन 5 है वो जहाँ पे आ चुका है, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर मैं एक एक डोमेन की एक एक लाइन को जहाँ पे डिफाइन करके बताऊँगा तो ये वीडियो एक घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए जल्दी से, आपने आपके स्कूल में जो जो लेवल, जो जो आप जिस चीज़ की आप प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो, आपने यहाँ से प्रायोरिटी सेट करते जाना है और उस डाटा को आपने सबमिट करते जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। चलिए आपने जहाँ पे देख लिया, इस तरह से आपने यहाँ पे भी आपने लेवल सेट कर लेना है और इनकी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है कि किस क्षेत्र में आप सुधार चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से उनकी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है। अब नेक्स्ट डोमेन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट डोमेन पे आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो हमारे पास जो 6th डोमेन है वो आ जाएगा। जिस तरीके से आपने सभी कैटेगरीज की जितने भी लेवल्स हैं उनको अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे चूज़ करके उनकी प्रायोरिटी सेट करते जाना है, फिर आपने नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने जो लास्ट डोमेन है वो जहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये भी 2019-20 की बात है, तो उसमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो लेवल थ्री में रखा गया है, प्रायोरिटी यहाँ पे लो रखी गई है। इस तरीके से आपने जिस भी क्षेत्र में आप सुधार चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो लेवल वन में उसको ले आओ, उसके बाद उसके ऊपर उसको प्रायोरिटी में रख के आपने सारा काम करना है, ताकि उस क्षेत्र में भी हम अपने स्कूल के लिए अच्छा काम कर सकें। जब आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर हमें यहाँ से एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान, तो जहाँ से हमें जितने सातों के सातों डोमेन्स हैं उनके डोमेन्स के हर एक में हमें क्या क्या जहाँ पे फिल करना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें प्रपोज्ड एक्शन क्या होना चाहिए, सपोर्ट नीडेड क्या होनी चाहिए, एक्शन टेकन क्या होना चाहिए, जे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ी जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हमें एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हमें अपने स्कूल के डाटा को शाला सीधी पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके बाद जो दो तीन ऑप्शंस बच गए हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, जहाँ पे हम एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान पे बात करेंगे, किस प्रकार इस चार्ट को हमें फिल करना है, 15 वर्ड तक हम अपने किस प्रकार से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए लिखेंगे, प्रपोज्ड एक्शन क्या रहेंगे, सपोर्ट नीडेड क्या रहेंगे, एक्शन टेकन क्या रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।